नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पथ निर्माण विभाग मंत्री सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद भी कराया जा सकता है, जातिगत जनगणना बाद में भी कराया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जागरूकता भी बनाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिससे कि लोगों में जागरूकता आएगी। क्या कुछ कहा है नितिन नवीन ने, सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। स्पष्ट रूप से हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जाति जनगणना विषय केंद्र में ऑलरेडी गया हुआ है, केंद्र पर उस विषय पर चर्चा और विमर्श हो रहा है, लेकिन जो बड़ा विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। और मेरा ये मानना है कि स्पष्ट रूप से हम लोगों ने भी इस कहा है कि आज जनसंख्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और हम किसी को तो तब ना अधिकार देंगे जब वो का उसका पूरे इन्वायरमेंट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। आज तो स्थिति ये है कि हम पूरे समाज को नहीं देख रहे हैं और एक समाज विशेष जात विशेष को देख रहे हैं, तो पहले तो पूरे समाज का ग्लोबल रूप देखिए ना, तब उसका सेकंड स्वरूप पे आइएगा, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर बनना चाहिए और इसके बनने से निश्चित रूप से समाज में आपस में भी एक सद्भाव का वातावरण बनेगा। जब आप किसी भी, हम लोग तो करते हैं ना भाई, निगम चुनाव पंचायत चुनाव में हम लोग है कि दो बच्चे नहीं होने, दो बच्चे से अधिक होंगे तो उनको चुनाव लड़ने का, तो ये ग्लोबली क्यों नहीं एक्सेप्टेड हो? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो ये ग्लोबली हर व्यक्ति पे लागू होगा, जब जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है, समाज के अलग अलग, तो पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये कानून के जो भी मापदंड होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियाँ हों, चाहे सरकार का लाभ लेना हो, सब चीज़ों पर लागू होना चाहिए ना। तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को केवल एक विषय को मत, इसका बड़ा असर देखिए कि क्या होगा, क्या समाज के हर वर्ग को इस पर कंट्रोल पर काम नहीं करना चाहिए क्या? और कानून बनाना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी कानून के दायरे में लाकर हम समाज को सही दिशा दे पाते हैं। पर नीतीश कुमार बबलू, उनका कहना है कि हम लोग जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और मांग करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखिए, वो अलग विषय है, माननीय मंत्री विजय जी ने जो विषय रखा है वो निश्चित रूप से पार्टी के फोरम पर चर्चा होगी, लेकिन जो बड़ा विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर निश्चित रूप से बनना चाहिए और उस पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी लोगों को, पूरे राष्ट्र के स्वरूप पे सोचना चाहिए। नीतीश कुमार अपने बातों पे अडिग रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पर संकट आ जाए इस बात। देखिए, आपका मन का विचार अलग हो सकता है, सरकार मुद्दों पे हम लोग 370 पे भी अलग अलग मत के बाद भी सरकार चलाए हैं ना, कहाँ आप हैं? विचारों की भिन्नता होती है, मन की भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज है सर, यूपी चुनाव होने वाला है, उसको लेके ललन सिंह ने कहा अलग होगी, क्या लगता है चुनौती देने के बाद? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की पार्टी, वहाँ के जो हमारी स्थानीय इकाई है उत्तर प्रदेश का जो है, वो कैसे स्वरूप को लेता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा, ये बिहार से थोड़े तय होगा। सर, जनसंख्या नियंत्रण क्या जागरूकता से लाया जा सकता है, क्योंकि प्रयास तो बहुत। मैंने ये शुरू से कहा है, आज से जब 15-20 दिन पहले सत्र चल रहा था तब भी मैंने कहा था, कानून और जागरूकता दोनों साथ चलता है, कानून के दायरे में लाना भी जरूरी है और जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर करना भी।